What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to YFL, restaurant style veg hot and sour soup की recipe बता रहा हूँ आज. अब पहले channel पर मैंने veg hot and sour soup की recipe बताई हुई है, बट वो थोड़ी सी authentic वाली recipe है, जो थोड़ी actual में जो Chinese style होती है वो वाली soup की recipe आपको बताई है. ये जो रेसिपी है एकदम इंडो चाइनीज देसी स्टाइल वाला हॉट एंड सावर सूप है, और मज़ा आ जाता है. जो मौसम है, मॉनसून स्पेशल रेसिपी है, बारिश हो रही हो बाहर, ये हॉट एंड सावर सूप बनाई है और मज़ा लीजिए इस सूप का. बहुत सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है. और इस रेसिपी में मैं आपको वेजिटेबल्स सूप के लिए कैसे कट करनी हो बताने वाला हूँ, क्योंकि चाइनीज़ जो खाना होता है उसमें मेन चीज़ यही होती है, जो प्रिपरेशन होती है वेजिटेबल्स की, वो एक बार आपने कर लिया तो 5-6 मिनट में आपका काम हो जाता है. तो वेजिटेबल्स की प्रिपरेशन भी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ. काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आप वेजिटेबल्स कट कैसे करते हो, तो वो शेयर कर रहा हूँ. और फिर वेज हॉट एंड सावर सूप एकदम देसी तरीके से इंडो चाइनीज स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनता है वो देखते हैं. तो वेज हॉट एंड सावर सूप के लिए सारी वेजीज मैंने यहाँ पर ले ली है. सबसे पहले कैबेज कट कर लेते हैं. आधा ही कैबेज यूज़ करना है, तो कैबेज को पहले दो हिस्सों में कट कर लीजिए. फिर आपको आधा हिस्सा ले लेना है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है कैबेज का उसे आपको निकाल देना है इस तरीके से. एक बार आपने इसे निकाल लिया है तो फ्लैट हिस्से को आपको इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे प्लेस कर देना है. उसके बाद प्रेशर अप्लाई करना है थोड़ा कैबेज को कि वो जगह पे रहे, आसानी हो जाती है काटने में. और इस तरीके से श्रेड्स में आपको कट करना है, तो जितना पतला हो सके उतना पतला आपको कैबेज को कट कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से आपको एक कट मिल जाएगा. इस कट को शेफोनात कट बोलते हैं. तो इस तरीके से कैबेज को आपको कट कर लेना है. कैबेज को अभी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए. अब गाजर को कट कर लेना है, तो एक पील की हुई गाजर मैंने यहाँ पर ले ली है. उसका टॉप आपको इस तरीके से कट कर लेना है. उसके बाद गाजर को डायगनली आपको ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है. अब देख सकते हो किस तरीके से कट कर रहा हूँ. एक बार आपने पतले पतले स्लाइसेस इस तरीके से कट कर लिए हैं, उसके बाद इन्हें इस तरीके से साथ में आपको स्टैक कर लेना है. साथ में स्टैक करने के बाद आपको पतले पतले स्ट्रिप्स में इन्हें कट कर लेना है. इन्हें जूलियन करना है, इसे मैचस्टिक कट कहा जाता है. तो इस तरीके से पतले पतले हिस्सों में इसे कट कर लीजिए. आपको इस तरीके से एकदम पतली पतली जूलियंस मिल जाएंगी गाजर की. स्टैक करने के अलावा आप इस तरीके से लाइन में भी सेट करके गाजर को कट कर सकते हैं. ये और आसान तरीका लगता है मुझे पर्सनली. तो इस तरीके से सेट करके आप कट कर सकते हैं. सेम तरीके से आपको पतले पतले श्रेड्स में कट कर लेना है. अगर आपको सूप में जूलियंस नहीं यूज़ करने, चॉप करनी है गाजर को, तो इसको बस फिर से आपको इस तरीके से कट कर लेना, तो आपको चॉप गाजर मिल जाएगी. तो गाजर एक बार आपने कट कर लिया इस तरीके से, तो इन्हें भी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए. अब नेक्स्ट हमें कैप्सिकम कट कर लेनी है. कैप्सिकम कट करने के लिए इस तरीके से कैप्सिकम के चार साइड्स आपको कट कर लेने हैं. चार साइड्स कट करने के बाद आप देख सकते हो इसका कोर इस तरीके से अलग हो जाएगा. अब कैप्सिकम को स्किन साइड नीचे रखते हुए आपको जूलियंस में कट करना है. पतले पतले कट लगाने हैं. आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ. स्किन साइड नीचे रखने से होता क्या है, आपको आसानी हो जाती है कैप्सिकम को कट करने में. तो एक बार कैप्सिकम को भी आपने इस तरीके से कट कर लिया है, तो इन्हें बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए. नेक्स्ट हमें अभी फ्रेंच बीन्स कट करनी है. तो 8 से 10 फ्रेंच बीन्स ले लिए. उन्हें अभी एक साथ ऐसे रख कर उन्हें लेवल कर लेना है. लेवल पर लाने के बाद एक साइड से आपको टॉप्स इसके कट कर लेने हैं. दूसरी तरफ से सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है. ऐसे उसको एक साइड पे लेवल कर लो और दूसरे साइड से भी टॉप्स को कट कर लीजिए. एक बार आपने इस तरीके से कट कर लिया है, तो आपको फ्रेंच बीन्स के ऐसे लंबे लंबे डायगनल्स कट करने हैं. तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कट कर रहा हूँ. इसी तरीके से फ्रेंच बीन्स को आपको कट कर लेना है. एक बार आपने फ्रेंच बीन्स को कट कर लिया है, तो इन्हें भी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए. अब नेक्स्ट हमें मशरूम्स कट करने हैं. तो बस 2-3 लार्ज मशरूम्स मैंने यहाँ पर लिए हैं. मशरूम्स को ऐसे बीच में से आपको कट करना है. बीच में कट करने के बाद फिर इनके इस तरीके से स्लाइसेस कट करने. स्लाइसेस कट करने के बाद फ्लिप करके इस तरीके से आपको जूलियंस में कट कर लेना है. तो आप देख सकते हो मशरूम्स को कैसे कट किया और किस तरीके का कट हमें मिला है. इसी तरीके से मशरूम्स को कट कर लीजिए. मशरूम्स को अभी अलग बोल में आपको ट्रांसफर कर लेना है. अब लास्ट में आपको स्प्रिंग अनियंस कट करने हैं. थोड़े से स्प्रिंग अनियंस ले लीजिए. स्प्रिंग अनियन का सिर्फ हरा हिस्सा हम यूज़ करने वाले हैं. तो हरे हिस्से को इस तरीके से आपको रखना है एक साथ, और इसे फाइन तरीके से इस तरीके से आपको चॉप कर लेना है. एक शार्प नाइफ यूज़ कीजिए, आपको आसानी हो जाएगी स्प्रिंग अनियंस को कट करने में. तो एक बार आपने स्प्रिंग अनियंस को इस तरीके से कट कर लिया है, तो इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए. तो आपने देखा सारी सब्जियां हमने तैयारी कर ली. एक बार आपने सब्जियों की तैयारी कर ली है, अभी सूप बनाना बहुत आसान है, बहुत फटाफट बन जाता है. जब भी आप वेजिटेबल्स को कट करते हो, ध्यान दीजिए कि आपकी नाइफ़ शार्प होनी चाहिए. यूजुअली क्या होता है, नाइफ़ ब्लंट होती है तो मुश्किल हो जाता है वेजिटेबल्स को चॉप करना. अगर आपके पास एक शार्प नाइफ़ है तो वेजिटेबल्स कट करना भी आसान होगा, और शार्प नाइफ़ से इनफैक्ट हाथ कटने का जो डर रहता है वो कम रहता है. ब्लंट नाइफ़ होती है तो फिसलती है, साइड में सटकती है, तो हाथ पे लगती है, तो इसलिए हाथ कटता है.
तो नाइफ आपकी हमेशा डल नहीं होनी चाहिए, हमेशा एकदम शार्प होनी चाहिए। और चॉपिंग बोर्ड भी जो यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से आपको सिक्योर करना है। कर क्या सकते हो, एक आइडिया दे रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ, एक पेपर टॉवल ले लो या एक नैपकिन ले लो, उसको थोड़ा सा गीला करो, प्लेटफॉर्म पे रख दो और उसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड रखो, तो आपका चॉपिंग बोर्ड जो है वो हिलता नहीं है। तो ये अगर आप टिप का इस्तेमाल करोगे तो चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल हिलेगा नहीं और सब्जियां काटना आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से सब्जियां आप कट कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हॉट एंड सावर सूप में यूजुअली रेस्टोरेंट्स में जो इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट्स होते हैं वो जूलियंस यूज़ करते हैं और चॉप्ड वेजिटेबल्स मंचाओ सूप में यूज़ होते हैं। बट फिर भी आपको अगर ये लंबी लंबी सब्जियां नहीं पसंद आती हैं तो ये सारी सब्जियां जो हमने कट की उसे आपको घुमा के फिर से कट कर लेना, तो आपकी चॉप्ड वेजिटेबल्स हो जाएंगी और चॉप्ड वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हो। साथ ही में चाहो तो थोड़ा टोफू ऐड कर लो या थोड़ा सा पनीर के क्यूब्स भी ऐड करके डाल सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो थोड़ा सा अंडा और चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर उसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। तो सब्जियों की तो तैयारी हो गई, अभी आगे हॉट एंड सावर सूप बनता कैसे वो देख लेते हैं। एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर उसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया अदरक और 1 टेबलस्पून चॉप किया लहसुन ऐड करके आपको लो फ्लेम पर इसे सौते कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। एक बार अदरक और लहसुन सौते आपने कर लिया है तो फ्लेम को हाई कर लीजिए। फ्लेम को हाई करने के बाद इसमें जो मशरूम्स थे उन्हें ऐड कर देना, इसलिए हमने इसे पहले एक अलग बोल में रखा था। मशरूम्स ऐड करने के बाद बस स्टर करके 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको कुक कर लेना है। अब इसमें सारी सब्जियां ऐड कर देनी है जो हमने कट की थी। सारी सब्जियां ऐड करने के बाद भी टॉस करते हुए या स्टर करते हुए इन्हें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। एक बार आपने सब्जियों को भी कुक कर लिया है तब इसमें 800 से 900 ml गर्म पानी ऐड कीजिए या वेज स्टॉक ऐड कर दीजिए। साथ ही में 2 हरी मिर्चियों की पेस्ट ऐड कर दीजिए, ये आपका हॉट हो गया, तीखापन हो गया। 1 चुटकी शक्कर, 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस जो देसी वाली सोया सॉस होती है वो ऐड कीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए। 2 टेबलस्पून विनेगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से वो खट्टापन आएगा हॉट एंड सावर का, तो वो ऐड कर दीजिए। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस थोड़ा और तीखेपन के लिए, साथ ही में 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, नमक कम डालना क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होती है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है और इस सूप को एक बॉयल पे ले आना है। एक बार सूप बॉयल पे आ जाए तो सूप को थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च स्लरी बनानी है, तो एक बोल में 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ले लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब धीरे धीरे इस स्लरी को ऐड करके पकाइए सूप को, 1-2 मिनट में थिक हो जाना चाहिए। सूप को बहुत ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेवी नहीं बनानी है, सूप ही बनाना है। 2 या 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च से आपका काम हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो सूप की कंसिस्टेंसी हमारी परफेक्ट हो गई है। इस स्टेज पर यहाँ पर हैंडफुल आपको चॉप्ड ताज़ा धनिया डालना है, जो स्प्रिंग अनियन के पत्ते हमने कट किए थे वो ऐड कर दीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। इस स्टेज पर आपको सूप को टेस्ट भी कर लेना है, अगर नमक की ज़रूरत है या खटास की ज़रूरत है या सोया सॉस की ज़रूरत है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से स्टर कर लीजिए उसके बाद, और ये आप देख सकते हो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल इंडो चाइनीज हॉट एंड सावर सूप रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईफल स्टाइल। बारिश के मौसम में ये वाला सूप जो है पीने में मज़ा आ जाता है, तो ज़रूर बनाइए ये अपने घर पे, ये देसी इंडो चाइनीज़ हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी। आई एम श्योर यू विल लव इट। बहुत आसान रेसिपी है, सब्जियां भी काटना आपको बता दिया है, सूप आसान तरीके से कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया है। अगर गर्म पानी यूज़ कर रहे हो तो स्टॉक क्यूब्स मिलते हैं मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे एक एडिड फ्लेवर आ जाता है। अगर अजीनोमोटो आप घर पे यूज़ करते हैं तो 1 चुटकी वो भी डाल सकते हो। एरोमैट पाउडर यूज़ करते हो अपने घर पे तो 1 चुटकी वो भी ऐड कर सकते हो, उससे थोड़ा टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। रेस्टोरेंट्स में ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं तो आपको बता दिया है। साथ ही में चाइनीज़ जब भी कुक करते हो वॉक में प्रेफर कीजिए ऐसे कुक करना, या कोई पतली कढ़ाई में इसे कुक कीजिए, हीट जो है वो जल्दी लगती है तो जल्दी आपका जो सूप है वो बनता है। तो इसी तरीके से सूप अपने घर पे बनाइए, मॉनसून्स का मज़ा उठाइए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल इंडो चाइनीज वेज हॉट एंड सावर रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।